अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में टाइप कास्टिंग को या टाइप कन्वर्जन को कि सी शार्प में टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन जो है वो किस तरीके से होती है, एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में हम वैल्यूज़ किस तरीके से मूव करवा सकते हैं। तो आज हमें डिस्कस करना है कि टाइप कास्टिंग क्या होती है या टाइप कन्वर्जन भी इसको कहते हैं कि टाइप कन्वर्जन क्या होती है, टाइप्स क्या क्या हैं ये टाइप कास्टिंग की, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है और किस तरीके से हम ये परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि ये टाइप कास्टिंग है क्या। अब सी शार्प जो है वो स्टैटिकली टाइप जो है स्टैटिकली टाइप है कंपाइल टाइम पे, मतलब कंपाइल टाइम पे इसकी टाइप चेकिंग होती है। तो जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं तो आप उस वेरिएबल को किसी और टाइप के लिए दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते, बल्कि आपको कोई और वेरिएबल लेना पड़ता है किसी दूसरी टाइप के लिए। तो इसी तरह अगर आप एक डेटा टाइप के वेरिएबल में दूसरे डेटा टाइप की वेरिएबल की वैल्यू जो है वो स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो क्या वो किस तरीके से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरी टाइप में। तो कुछ टाइप्स जो हैं वो इम्प्लिसिटली कन्वर्टेबल हैं और कुछ जो हैं वो एक्सप्लिसिटली कन्वर्टेबल हैं। तो अगर हमने इम्प्लिसिटली कन्वर्टेबल टाइप को देखना है तो उसकी हमारे पास एग्जांपल आ जाती है एक इंटीजर टू फ्लोट, ठीक है, या इंटीजर टू लॉन्ग। तो एक टाइप से दूसरी या स्मॉलर से ग्रेटर टाइप के अंदर आप अगर मूव करवा रहे हैं तो आपके पास वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है। और अगर आपको एक्सप्लिसिट करवाना है, मतलब अगर आप कुछ ग्रेटर डेटा टाइप से स्मॉलर डेटा टाइप की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक आप स्ट्रिंग से इंटीजर की अंदर डेटा स्टोर करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस ये आप इम्प्लिसिटली नहीं कर सकते, कंपाइलर इम्प्लिसिटली इसको मैनेज नहीं करेगा, आपको एरर दे देगा, तो आपको खुद से वो मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर आपने एक आई वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर लिया है, अब आप उसको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू साइन करवाना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते, कंपाइलर आपको एरर देगा। तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जो है हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है और इंटीजर टाइप के वेरिएबल में हमने ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा जो है वो स्टोर करवाने की कोशिश की है, तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो एरर देगा। अब एरर क्यों देगा, क्योंकि आई जो है वो स्टैटिकली इंटीजर के साथ जो है वो मैप हो चुका है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल बन चुका है। अब इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर टाइप की स्टोर हो सकती हैं, किसी और टाइप का डाटा जो है हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते। अगर हम किसी और टाइप का डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं तो हमें इसको फिर एक्सप्लिसिटली इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये स्ट्रिंग को हमें इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये कैसे होगा। तो कभी कभी हमें वेरिएबल की किसी भी वेरिएबल के अंदर किसी दूसरी टाइप का डाटा जो है वो कॉपी करना पड़ता है, या मेथड के पैरामीटर जो हैं वो किसी और टाइप के होते हैं, हमें किसी और टाइप के वेरिएबल के अंदर उसको कॉपी करवाना होता है, तो इस काम के लिए हम फिर टाइप कास्टिंग करते हैं। अब अगर हमें इंटीजर वेरिएबल है हमारे पास और हमने कोई ना कोई मेथड को पास करना है पैरामीटर, उस मेथड मेथड का जो पैरामीटर है वो डबल टाइप का है, तो यहाँ पर फिर हम इंटीजर से डबल के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, टाइप कास्टिंग कहलाता है या टाइप कन्वर्जन करवाता है। अगर हमने कोई क्लास वेरिएबल में कोई ना कोई वैल्यू है और इंटरफेस वेरिएबल को हमने वो असाइन करवानी है तो ये भी हमारे पास क्या होता है, टाइप कन्वर्जन होता है। तो ये सारे ऑपरेशन जो हैं हमारे पास टाइप कन्वर्जन के ज़िम्मे में आते हैं या टाइप कास्टिंग कहलाते हैं ये सारे के सारे ऑपरेशन। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास टाइप कास्टिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास दो तरह की टाइप कास्टिंग होती है, जो बेसिक्स हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन या कास्ट जो है ये हम करते हैं। अब कोई इम्प्लिसिट कन्वर्जन के लिए कोई भी स्पेशल सिंटैक्स हमें नहीं चाहिए होता है, कंपाइलर जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट या ऑटोमेटिकली ये कन्वर्जन कर देता है, इसके अंदर कोई डाटा लॉस नहीं होता। जहाँ पर डाटा लॉस नहीं हो रहा है कंपाइलर जो है वो इम्प्लिसिटली ये कन्वर्जन कर देता है।
इसकी एग्जांपल जो है, अगर हम स्मॉलर टाइप का या स्मॉलर इंटीग्रल टाइप से लार्ज इंटीग्रल टाइप की तरफ मूव कर रहे हो, मतलब हमारे पास इंटीजर टाइप का डाटा और लॉन्ग टाइप में हमने स्टोर करवाना है, तो ये कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली कर देगा। इसके लिए कोई भी एरर नहीं देगा या हमें कोई भी स्पेशल फंक्शंस जो हैं यहाँ पर यूटिलाइज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इंटीजर से डबल के अंदर डाटा कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर कोई भी डाटा का लॉस नहीं हो रहा है, तो कंपाइलर ये ऑटोमेटिकली कर देगा। अगर हम एक्सप्लिसिट की बात करें तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के अंदर हमारे पास डाटा लॉस हो रहा होता है। मतलब क्या है कि आप लार्जर डाटा टाइप से स्मॉलर डाटा टाइप की तरफ डाटा जो है वो मूव करवा रहे होते हैं या कन्वर्ट करवा रहे होते हैं। तो इस केस में जब आप लार्जर से स्मॉलर की तरफ आ रहे हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ डाटा जो है वो लॉस होना ही होना है। अगर आप डबल से इंटीजर की तरफ आ रहे हो तो जो आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर के अंदर आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है कि वो वाली सारी वैल्यूज़ जो हैं वो लॉस हो जाएंगी। तो इस केस में आपको क्या करना है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करनी है। अगर आप उस लॉस को बियर कर सकते हैं तो आप एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर लेते हैं, अगर आप उस लॉस को बियर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप डाटा टाइप जो है वो चेंज करेंगे। तो हमारे पास फिर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग आ जाती है। अब बिल्ट इन हमारे पास काफ़ी सारी न्यूमेरिक डाटा टाइप्स हैं तो उनके लिए इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है कंपाइलर खुद से कर देता है। जैसे आपने स्मॉलर इंटीग्रल टाइप से लॉन्गर इंटीग्रल टाइप की तरफ अगर मूव करना है, तो अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल जो है वो लॉन्ग टाइप का है और वो किसी भी किस्म के इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, मतलब वो लार्जर या लॉन्गर टाइप का है या बिगर टाइप का आपके पास क्या है वेरिएबल है, वो तमाम स्मॉलर को क्या कर सकता है, एड्रेस कर सकता है। तो इस तरीके से आप इंटीजर से लॉन्ग में डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं बगैर किसी स्पेसिफिक फंक्शन के, क्योंकि कंपाइलर ने ये टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिकली कर देनी है। तो अगर आपके पास कंपाइलर इम्प्लिसिटली कन्वर्ट किस तरह से करेगा, नंबर की वैल्यू को जो राइट साइड पे होगी उसको असाइन करवा देगा लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर या लेफ्ट साइड वाली टाइप के अंदर, तो इस तरीके से आपका इंटीजर टाइप का डाटा जो है वो लॉन्ग टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं होगा। इसलिए इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कंपाइलर बाय डिफॉल्ट कर देता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमने एक इंटीजर टाइप का एक नंबर ले लिया है और लॉन्ग टाइप में क्या किया, उसकी वैल्यू जो है वो स्टोर करवाई है, तो ये काम जो है कंपाइलर कर देगा, कोई भी एरर नहीं देगा। इसको हम विजुअल स्टूडियो में देखते हैं। अब विजुअल स्टूडियो में हम इसको देखते हैं। सॉरी, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ पर लाके पेस्ट कर देते हैं। अब हम ये बिग नम की वैल्यू जो है उसको प्रिंट करवा लेते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस वेरिएबल को प्रिंट करवा देना है और यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करेंगे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो उस जो सेकंड वेरिएबल था हमारा लॉन्ग टाइप का, उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो गई है। अब हम यहाँ पर जो है ये इंटीजर्स को हम कर देते हैं लॉन्ग, मतलब हम स्मॉल लार्जर से स्मॉलर की तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इंट कर दिया। अब ये क्या करें, लॉन्ग से इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखें, ये रेड कलर की हमारे पास यहाँ पर ये लाइन दे रहा है, एरर दे रहा है, कह रहा है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट लॉन्ग टू इंट, मतलब आप लार्जर से स्मॉलर की तरफ मूव नहीं कर सकते। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे क्या करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करने देगा, एरर जो है यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये वाला। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ पर हमें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग या एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जो है वो करनी पड़ेगी।
अब एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है उसको देख लेते हैं कि जब हम कन्वर्जन जो है वो बगैर किसी रिस्क के कर रहे होते हैं, तो कंपाइलर जो है वो खुद ब खुद इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो है वो परफॉर्म कर देता है अगर वहाँ पर कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लॉस की सूरत में, या मतलब हम लार्जर डाटा टाइप से स्मॉलर डाटा टाइप के अंदर जो है डाटा स्टोर करें, मतलब लार्जर टाइप का डाटा जो है वो स्मॉलर टाइप के अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं, तो उस केस के अंदर हमें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। अब वहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक सिंटैक्स जो है वो यूज़ करना पड़ता है। अगर हम कोई भी कन्वर्जन कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं हो रही, लेकिन हम लार्जर टाइप से स्मॉलर की तरफ डाटा जो है वो मूव करवा रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है वो आराम से कर सकते हैं। तो अब हम जब कास्टिंग करते हैं तो कंपाइलर को बता देते हैं कि हमें जो है जहाँ पर इस टाइप से डाटा जो है इस टाइप में कन्वर्ट करना है, अगर यहाँ पर लॉस हो भी रहा है तो हम उसको क्लियर कर सकते हैं। तो हमें वहाँ पर डाटा टाइप जो है वो बतानी पड़ती है पैरेंथेसिस के अंदर कि किस टाइप के अंदर हमने डाटा जो है वो कन्वर्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखें, डबल से इंटीजर के अंदर हमने कन्वर्ट करना है, तो बगैर कास्टिंग के ये परफॉर्म नहीं हो सकता। तो हमने डबल टाइप का डाटा जो है वो यहाँ पर ले लिया है और इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पर हमने क्या किया है फिर डबल टाइप के डाटा को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करके यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। तो अब अगर हम अपनी प्रीवियस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा था, एक एरर आ रहा था। तो अब हम यहाँ पर अगर हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इंट लगा दिया हमने उसके साथ, तो क्या है कि ये लॉन्ग टाइप के डाटा को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, एक्सक्यूट करवाते हैं। तो अब हमारे पास क्या हुआ, ये लॉन्ग टाइप का डाटा जो है इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। हमने यहाँ पर क्या किया, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की है, ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हमने यहाँ पर कर दिया है। ये वाली एग्जाम्पल को भी हम यहाँ पर रन करके देख लेते हैं, डबल से इंटीजर के अंदर कन्वर्जन जो है वो किस तरीके से होती है। और ये देखिए, अब ये वाला जो हमारे पास कोड है पड़ा हुआ, इसको हम क्या कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं और बाकी कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये 1 2 3 4 हमारे पास कंसोल के ऊपर वैल्यू जो है वो शो हो रही है, जबकि हमारे पास डबल में वैल्यू क्या थी, 1 2 3 4.7। तो ये 0.7 क्या हुआ, यहाँ पर हम लॉस कर चुके हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो सिर्फ क्या आ रही है, 1 2 3 4 आ रही है, क्योंकि इंटीजर में हम 1 2 3 4 तक की वैल्यू जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देख भी लिया है कि डाटा लॉस जो है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर अगर हम इस लॉस को बियर कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, वो 0.7 को निगलेक्ट कर दिया। तो ये हमारे थोड़े से कंसेप्ट है टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग के। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें जो हैं वो टाइप कास्टिंग के वाले से क्लियर हो गई होंगी। और अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जितना जल्दी हो सके उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।